हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट उसका बचा हुआ लास्ट पार्ट कवर करेंगे जिसे एरर्स बोलेंगे। अब इस चैप्टर में मैंने जितने भी टॉपिक्स थे बाकी के सारे कवर अप करवा दिए हैं। उसमें हमने एसआई सिस्टम पढ़ा, एडवांटेजेस पढ़े, डायमेंशंस पढ़ी, फंडामेंटल एंड डिराइव क्वांटिटीज पढ़ी थी और पैरेलेक्स मेथड पढ़ा था, डायमेंशंस के कुछ एग्जांपल्स और राउंडिंग ऑफ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने पहले की वीडियोज में कवर करे हैं और उस सबका और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है विच इज एरर्स। एरर्स हमारे लिए पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब कभी भी, जैसे चैप्टर का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो जब कभी भी हम मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एकदम करेक्ट वैल्यू आ जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम ना आए। तो कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से हमारी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ पाती है या करेक्ट मेजरमेंट नहीं आती। इट मीन्स कि उस एक्सपेरिमेंट में एरर शो हो ही जाता है। अब वो एरर किसी भी टाइप से हो सकता है। तो आज हम एरर पढ़ेंगे, एरर क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, किस तरीके से उनका डिवीजन सब्ट्रैक्शन होगा जब हम उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में करेंगे, तो ये सारे टॉपिक्स आज हम पढ़ने वाले हैं। सो एरर्स, अगर एरर एनालिसिस की बात करें तो टू चेक वेदर द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट एग्री विद द थ्योरेटिकल प्रिडिक्शंस और रिजल्ट अदर फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट और नोट। इट मींस कि अगर आपको कोई रिजल्ट निकालना है, कोई भी आप एक्सपेरिमेंट है और उसको आप थ्योरेटिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं या परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उसकी जो कैलकुलेशन है या जो रिजल्ट आप दे रहे हैं, क्या वो कितना करेक्ट है और कितनी उसमें प्रॉब्लम्स हैं या किसी अनसर्टेनिटी की वजह से उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो हम एरर्स में पढ़ेंगे। अब एरर्स जब मेजरमेंट की बात करते हैं तो ये एक डिफरेंस होता है बिटवीन द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मीन्स कि जो हमारा एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, जो उस आंसर की करेक्ट वैल्यू होती है, एंड द मेजर्ड ऑफ द वैल्यू ऑफ क्वांटिटी इज नोन एज एरर ऑफ मेजरमेंट। एरर ऑफ मेजरमेंट का मतलब कि वो डिफरेंस जो हमारी ट्रू वैल्यू में आता है, ट्रू वैल्यू से जो हम मेजर करते हैं उसमें आता है। अब इसका एक एग्जांपल है, सपोज आपने कोई चीज मेजर करी है, ये पेन या स्केल, कोई भी एक चीज है जिसे आपने इसको मेजर किया और उसकी वैल्यू है 13.56 सेंटीमीटर। तो ये एग्जैक्ट वैल्यू है जो उसकी मेजरमेंट है, बट हमने तीन स्टूडेंट्स या तीन एग्जांपल्स लिए, तीन डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लोगों ने उसको मेजर किया, तो किसी की वैल्यू आती है 11.40, किसी की आती है 11.5, किसी की आती है 13 है ये। तो अब आप देखिए जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू है वो 13.56, लेकिन ये तीन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जर्वेशन है जो तीन अलग अलग लोगों ने करी है। तो अब ये जो होता है इसको हम एरर्स में पढ़ते हैं कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसके आसपास में इनमें से कौन से वाली वैल्यू आती है। तो अब देखिए तीनों में से हमें कुछ ना कुछ सी पॉइंट ही लग रहा है कि जो इसके पास में है 13.55। तो ये एरर किस तरीके से आया कि अगर आपकी एग्जैक्ट वैल्यू ये थी तो इसमें थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है जो कि हम न्यूमेरिकल्स करते वक्त उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब आप एरर्स करेंगे तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है और इसकी डेफिनेशन भी बहुत सी इजी है। तो अब आज हम यही सब कुछ को क्लियर करने वाले कि कैसे इसको एरर को मिनिमाइज करें, किस तरीके से उसको गायब किया जा सकता है या कम से कम चांसेस हो कि एरर आए। इस वीडियो में हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे उन सबके रिटर्न नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की फॉर्म में मिल जाएंगे। अब देखिए जब हम एरर्स की बात करते हैं तो उसके लिए हमारी दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होती है एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी की बात होती है कि जब कोई भी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा क्लोज हो, जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है, अगर हमने कोई वैल्यू मेजर करी है या कोई भी मेजरमेंट हमने ली है, वो जो हमारी ट्रू वैल्यू है मीन्स कि जो एग्जैक्ट उसकी मेजरमेंट है उसके बहुत ज़्यादा क्लोज होती है, तो उसको हम एक्यूरेसी कहते हैं। और प्रिसीजन का मतलब होता है कि एक लिमिट तक जाना कि इससे ज़्यादा लिमिट नहीं है उस चीज़ की मेजरमेंट की। अब देखिए एग्जांपल, देखिए एक्यूरेसी का एग्जांपल, हमारे पास ये एक वैल्यू है ट्रू वैल्यू 22.2 मीटर, किसी भी चीज़ की आपने मेजरमेंट ली है, ठीक है, तो आपने इसको मेजर किया और उसकी जो मेजरमेंट आई 22.2 मीटर, ये आपकी ट्रू वैल्यू है एग्जैक्ट। सेम लास्ट वाले एग्जाम्पल की तरह ही है, आपने तीन लोगों को लिया जिन्होंने इसकी डिफरेंट डिफरेंट मेजरमेंट करी। अब आप देखिए एक आता है 22.1, एक आता है 21.99 मीटर, एक आता है 20.019 मीटर, ठीक है। अब ये जो
यूनिट्स है, अगर 20.1 की बात करें तो ये हम नॉर्मल स्केल पे मेजर कर लेते हैं, लेकिन ये जो नीचे वाली दो यूनिट्स हैं इनको हम हमारा जो नॉर्मल स्केल होता है रूलर जिसको कहते हैं उस पे इसको मेजर नहीं किया जा सकता। इनको हम मेजर करने के लिए वर्नियर कैलिपर जो हमारी फिजिक्स में लैब्स में यूज होता है उस डिवाइस का यूज करते हैं, और ये इस टाइप के एरर्स भी वहीं पे आते हैं, नॉर्मल मैथ्स में आप इन एरर्स को नहीं पढ़ते। तो जब आप देखिए अब ट्रू वैल्यू हमारी 22.2 मीटर है, तो अब इनमें से तीन में से कौन सा आंसर आपको इसके करेक्ट लग रहा है? ऑब्वियसली फर्स्ट वाला 20.1 मीटर आपको बहुत ही एक्यूरेट आंसर लग रहा होगा। तो जब कभी भी अगर अब 22.1 है हमारा, ये 22.2 के नियर बाय लग रहा है। अब इनमें से ये जब हमारे पास तीन डिफरेंसेस आते हैं तो उसमें हम एक देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन कौन सी नियर बाय है। उसके अलावा अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो गिवन डेटा है या जो गिवन ऑब्जर्वेशन है उसमें से दो टर्म्स हमसे पूछे जा सकते हैं, एक मोस्ट एक्यूरेट जो कि बहुत ज़्यादा आपको उसके नियर बाय लगती है जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है, और एक होता है लीस्ट एक्यूरेट। लीस्ट एक्यूरेट मीन्स कि ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा कम एक्यूरेट लग रही है क्योंकि इसमें देखिए तीन डिजिट्स आ रही है और इतनी मेजरमेंट आप नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो ये थी एक्यूरेसी की बात कि जब कभी भी हम ट्रू वैल्यू के क्लोजनेस पे कोई मेजर करते हैं, जो वैल्यू हमने ने निकाली और वो ट्रू वैल्यू के पास में हो। तो अगर हम एक्यूरेसी की बात करें इसी एग्जाम्पल में, तो 22.2 आपकी ट्रू वैल्यू है, उसके नियर बाय वैल्यू आपकी 22.1 मीटर होगी। बट जब हम प्रिसिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपकी एक लिमिट, कि इस लिमिट तक आपकी वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। तो उस सिचुएशन में सेम एग्जांपल ऊपर वाला ही हम लेते हैं, तो अगर आपको यही एक एग्जांपल दे रखा और इसमें आपसे पूछा जाए कि आप बताइए कि ट्रू वैल्यू कौन सी है, एक्यूरेसी कौन सी और प्रिसिशन कौन सा है, तो जब एक्यूरेसी की बात आएगी तो जो नियर बाय होती है वो, और जब हम प्रिसिशन की बात करते हैं तो जो हमारी लीस्ट एक्यूरेट वैल्यू होती है, मीन्स कि जिसमें बहुत ज़्यादा मेजरमेंट हो जाती है स्मॉलेस्ट यूनिट में, उसको आप प्रिसिशन की बात करते हैं। अब देखिए प्रिसिशन में और एक्यूरेसी, ये एरर्स मेजरमेंट करने के वक्त ये दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं। इसके अलावा जब हम एरर्स की मेजरमेंट करते हैं तो हमारे जो एरर्स हैं वो ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर, सेकेंड वन इज रैंडम एरर। अब ये दोनों एरर, इन दोनों टाइप्स की वजह से ही हमारे किसी भी मेजरमेंट में एरर आता है। फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब होता है कि आपका कोई एक्सपेरिमेंट जिस पे भी एपरेटस पे कर रहे हैं उस डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम होना, या ऐसी कोई प्रॉब्लम होना जिसको आप ठीक कर सकते हैं और ठीक करके उसकी रीडिंग जो आएगी या वैल्यू जो आएगी वो करेक्ट हो सकती है। बट अगर हम बात करते हैं रैंडम एरर की, तो रैंडम एरर ऐसा एरर होता है जिसकी बार बार रीडिंग भी लें या कुछ करें तो उसमें उसकी करेक्टनेस करना थोड़ी डिफिकल्ट होती है। ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। आपने कहीं पे सेटअप लगाया है इसका बाहर टेबल पे या किसी उस पे, और किसी वजह से या तो आपके किसी फ्रेंड ने या किसी क्लासमेट ने उस टेबल को हिला दिया तो उस वजह से आपका सेटअप हिल गया, या फिर आपने बाहर कहीं खुले एटमॉस्फेयर में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हवा चली तो वहां पे उसकी वजह से आपका सेटअप हिल गया। तो इस टाइप के जो एरर्स आते हैं उनको हम रैंडम एरर्स कहते हैं। मींस कि जो नेचुरली कुछ भी हो जाए, आपको खुद को आइडिया ना हो कि हाँ ये कुछ ऐसा हो सकता था, उस टाइम पे होता है रैंडम एरर। अदरवाइज अगर आपके एपरेटस में या जिससे आप मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उस टाइम पे हमारा सिस्टमैटिक एरर होता है। इस पे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पास इसके दो पार्ट्स में डिवीजन आ सकता है, डिफरेंस आ सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को डिफाइन करना भी आ सकता है। अब देखिए सिस्टमैटिक एरर, जब हम सिस्टमैटिक एरर की बात करते हैं तो एक कॉन्स्टेंट एरर अकर्स इन द एक्सपेरिमेंट बिकॉज ऑफ द इनपरफेक्शंस ऑफ द मैकेनिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एपरेटस इज नोन एज अ सिस्टमैटिक एरर। मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब यही है कि एपरेटस, या फिर जो एपरेटस का मतलब ही होता है कि जिस डिवाइस से आप उसको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है या वो परफेक्टली डिजाइन नहीं है तो उस टाइप के जो एरर आते हैं तो उसे हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। सिस्टमैटिक एरर आपके थ्री सब कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब हो गया कि आपके इंस्ट्रूमेंट में या जिससे आप मेजर कर रहे हैं उस एपरेटस में गड़बड़ है, तो वो आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद सेकंड आता है एनवायरमेंटल एरर। एनवायरमेंटल एरर का मतलब है कि अगर जैसे सपोज आप लैब में या रूम में कहीं पे आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे टेम्परेचर आपका अलग है, और अगर आप सेम एक्सपेरिमेंट को कहीं और दूसरी जगह करते हैं तो वहां पे टेम्परेचर आपका अलग हो गया, तो इस टाइप से ह्यूमिडिटी या इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो हमारे एनवायरमेंटल एरर में आते हैं।
नेक्स्ट वन इज ऑब्जर्वेशन एरर. ऑब्जर्वेशन एरर का मतलब है, जब मैंने आपको एक्यूरेसी पढ़ाया था तो वहां पे हमने यूनिट्स को मेजर किया था कि जैसे इसमें देखिए आप एग्जांपल दोबारा से, इसमें मैंने मेजर किया था ये करेक्ट वैल्यू है और ये नीचे वाली तीन भी गलत नहीं है, बट हम इनको करेक्ट भी नहीं ले सकते. तो इस टाइप की मेजरमेंट आपने यहाँ पे वन लिया, देन 99 मीटर आ गया, फिर 019 मीटर, तो इस टाइप के जो एरर आ जाते हैं आपके, तो इसी टाइप के एरर को आप ऑब्जर्वेशन एरर बोलते हैं. कि मीन्स आप जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम पे आपने एरर की रीडिंग लेने में, या जो आप वैल्यू या एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस टाइम पे रीडिंग में आपका कोई एरर आया हो. अब जो ये तीनों एरर से, इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, एनवायरमेंटल एरर, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप इनके एक बार रीडिंग कर सकते हैं. तो ये तीनों एरर्स आपके बहुत ही कॉमन से एरर हैं. नाउ नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि इसमें एरर्स को मिनिमाइज कैसे करते हैं, तो इसमें अगर आपको सिस्टमेटिक एरर्स को रिड्यूस करना हो तो हम उन अरेंजमेंट्स को दोबारा से अरेंज कर सकते हैं लैब में, या फिर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करके इस एरर को मिनिमाइज करा जा सकता है. क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मिनिमाइज करने का पूछा जाता है तो भी आपको पता होना चाहिए, और एरर्स के रीज़न क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, तो वो सब आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए. देन रैंडम एरर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, मीन्स कि हमें आइडिया नहीं होता है कि ऐसा कुछ हो सकता है. डिस्टर्बेंस अकर इन द एक्सपेरिमेंट बाय अननोन सोर्स, कोई भी अननोन सोर्स हो सकता है. मैंने इसका एग्जांपल भी आपको दिया था कि आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, आपका सेटअप है, टेबल हिल जाता है, तो उस टाइम पे आपका ये एरर आ सकता है, या फिर जो डिवाइस आप मेजर कर रहे हैं उस आपका हाथ हिल जाए, या कोई भी इस टाइप का एरर जो आपको आइडिया ना हो कि इस टाइप की भी आपसे मिस्टेक हो सकती है, तो वो आपका रैंडम एरर में आता है. अगर हम रैंडम एरर्स को रिड्यूस करते हैं तो उसका सोल्यूशन ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग ले सकते हैं उस एक्सपेरिमेंट की, सेम एक्सपेरिमेंट की. उसके अलावा जो हमारा एपरेटस है, जो जिससे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको आप करेक्टली डिज़ाइन करके भी रैंडम एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं. अब जो हमने एरर्स पढ़े, सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर, ये मैंने एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाया है. फ्लो चार्ट से आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा. इस साइड मैंने इसके कॉजेस दे रखे हैं, यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर है और यहाँ पे हमारा रैंडम एरर है. यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर के कॉजेस हैं कि इनकरेक्ट कैलिब्रेशन या इम्परफेक्ट ऑफ एपरेटस. ओवरऑल यही है कि अगर सिस्टमेटिक एरर की हम बात करते हैं तो अगर आपका एपरेटस में कुछ डिजाइनिंग में प्रॉब्लम है तो उस टाइम पे आपका सिस्टमेटिक एरर होगा. और इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं या मिनिमाइज, मीन्स कि ये एरर कम से कम आए, तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आप उस एपरेटस की डिजाइनिंग को इम्प्रूव करें, या उसमें जो प्रॉब्लम है उसको पहले ठीक करें, उसके बाद आप रीडिंग को लें, तभी वो ठीक हो सकता है, अदरवाइज सिस्टमेटिक एरर आपका कंटिन्यू रहता है. बट अगर रैंडम एरर्स की बात करें तो रैंडम एरर में ऐसा नहीं होता. पैरलेक्स एरर, मैंने आपको पैरलेक्स मेथड पढ़ाया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप एक पेन को होल्ड करते हैं अपनी आई के पास, और अगर आप लेफ्ट आई से देखते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा अलग दिखेगा आपको, और अगर आप राइट साइड से देखेंगे तो आपको बैकग्राउंड अलग दिखेगा. ऐसा नहीं है बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, बस पोजीशन थोड़ा शिफ्ट कर जाती है. सो सेम आपका रैंडम एरर में देखिए, अब रैंडम एरर्स को मिनिमाइज करने के लिए कि आप बार बार उस एक्सपेरिमेंट को करें, बार बार उसकी रीडिंग ले, ये एक सोल्यूशन होता है. क्योंकि रैंडम एरर्स अननोन सोर्स से आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही चीज़ हो, नॉट नेसेसरी कि आप हर बार एक्सपेरिमेंट करें और हर बार हवा चले और आपका सेटअप हिल जाए या कुछ इस टाइप का. तो ये आपका सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर का एक फ्लो चार्ट था. अब जब हम एरर्स पढ़ते हैं तो उसमें एक हमारी इंपॉर्टेंट टर्म आती है, लीस्ट काउंट एरर. लीस्ट काउंट एरर का मतलब होता है एक स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको आप मेजर करते हैं बाय द इंस्ट्रूमेंट. आपका कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम इसमें मेजरमेंट की बात करें तो आपको वर्नियर कैलिपर बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा लैब्स में. तो उसमें अगर आप देखें तो जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, जो मेजरिंग डिवाइस है उसमें आपकी जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको आप लीस्ट काउंट एरर से डिफाइन करेंगे, और जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो इस वैल्यू तक ही आपकी करेक्ट आती है, उसके बाद में आपकी वैल्यूज़ की जो रीडिंग्स हैं वो आप गलत एरर में काउंट कर लेंगे. नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें, जो अभी मैंने आपको ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करके बताया था, सिस्टमेटिक एरर और आपका रैंडम एरर, बट अगर हम एरर्स को कैलकुलेशन की टर्म्स में देखते हैं, जब हम न्यूमेरिकल फॉर्म में पढ़ते हैं, तो आपके जो न्यूमेरिकल्स में आएंगे वो तीन टाइप के एरर होते हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. सिस्टमेटिक एरर और रैंडम एरर आपका थ्योरी पोर्शन में, बट ये तीन जो एरर्स हैं इनको हम न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करते हैं. फर्स्ट वन इज एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है, मेजरमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजरमेंट वैल्यू.
इसमें एब्सोल्यूट एरर में हम जब कभी भी मेजरमेंट करते हैं तो उसको आप मैग्नीट्यूड लेके सॉल्व करेंगे। हमें ये पता है कि अगर हम एरर्स की बात करते हैं तो उसपे हमें करेक्ट वैल्यू के लिए अगर आपकी शॉर्टी नहीं होती तो हम उसे अर्थमेटिक मीन में वैल्यूज को मेजर कर लेते हैं ए मीन से। और आपने सपोज कोई एन नंबर ऑफ रीडिंग्स ली जिसमें आपने लिखा A1, A2, A3 एंड सो ऑन, तो यहाँ पे A1 पे आपका लास्ट नंबर है। एन नंबर ऑफ रीडिंग्स में आप इसमें कैसे एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, इसमें आपकी 2 से 3 टर्म्स है। हमारा एब्सोल्यूट एरर सबसे बड़ा एरर होता है जब हम समझते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर को आप अगर हम एब्सोल्यूट एरर्स की बात करते हैं तो देखिए, ये डेल्टा ए, इट मींस की एरर ए मीन माइनस में A1। अब ये आपने तीनों A1, A2, A3 आप इन सब के लिए सेम वे में लिख सकते हैं। यहाँ पे मीन वैल्यू लेते हैं और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरर जो A1, A2, A3 लेते हैं। अब देखिए मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है हमारे पास A̅ = A1 A2 प्लस में A3 अपॉन में 3। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ A टर्म्स हो सकती हैं और जितनी टर्म्स होंगी उतनी ही आप डिवाइड कर देंगे उसे। अब जब हम एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं तो वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, बट अगर मीन वैल्यू की बात करते हैं तो वो आपकी ट्रू वैल्यू के क्लोज होती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इसका, इसमें एब्सोल्यूट एरर में आप 3 चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट इज मीन वैल्यू, सेकेंड एब्सोल्यूट एरर एंड थर्ड वन इज मीन एब्सोल्यूट एरर। जब कभी भी आप मीन की बात करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर की, तो उस टाइम पे आपको मैग्नीट्यूड में लेना पड़ता है। और हमें पता है कि अगर हम मैग्नीट्यूड में चीज़ें लेते हैं तो हमारा माइनस चार्ज भी प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इससे आपकी कैलकुलेशन में जब एरर है वो आने के चांसेस बहुत कम होंगे। सेम हमारा मीन वैल्यू वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे, बट इसे हम मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लेंगे। मैग्नीट्यूड डेल्टा A1 और फिर इसको A2, A3, तो इस तरीके से आप इसका मीन वैल्यू। अब ये हमारा था एब्सोल्यूट एरर। ये सारे फॉर्मूलेस को आप एक अलग से पेपर पे बनाकर इसकी लिस्ट रेडी रखिए, ताकि आप जब न्यूमेरिकल्स करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। जब हम रिलेटिव एरर की बात करते हैं तो रिलेटिव एरर को फ्रैक्शनल एरर भी कहा जाता है, और रिलेटिव एरर निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा ए मीन अपॉन में मीन वैल्यू। अब देखिए रेशियो जो होता है मीन एब्सोल्यूट एरर का मीन वैल्यू से, उसकी क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, तो ये रेशियो हो गया आपका। देन परसेंटेज एरर का मतलब होता है जो आपका रिलेटिव एरर है उसका परसेंटेज निकालना, मींस कि इस रिलेटिव एरर की पूरी एज इट इज वैल्यू को 100% से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आपका परसेंटेज एरर हो। अब हमने एरर 3 टाइप्स में पढ़ लिए, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। अब उन तीनों एरर्स का एक एग्जांपल से मैं आपको न्यूमेरिकल से समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है वाटर का, ये यूनिट्स दे रखी हैं, ये टोटल 8 हैं, और इसमें आपको मीन वैल्यू, एब्सोल्यूट एरर और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, आपको ये वैल्यूज इसमें कवर अप करनी है, इनको कैलकुलेट करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन है जब आप अपना स्टैटिक पढ़ते हैं, ग्राफ वाले पोर्शंस पढ़ते हैं तो उसमें निकालते हैं ना, उसी टाइप से क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो मीन निकालना होता है। मीन का मतलब होता है जितनी टर्म्स हैं उनको उतने नंबर ऑफ टर्म्स से ऐड करके डिवाइड कर देना। ये सारी टर्म्स हैं 8, टोटल 8 आपने इसको डिवाइड किया और ये आपकी वैल्यू आएगी। देन उसके बाद में आप एक अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट हो जाए। देन एब्सोल्यूट एरर आप देखिए कैसे निकालेंगे, ये आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा ए यू मीन्स माइनस में U1। तो ये जो आपका है ये म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो अब देखिए इसमें आपने क्या किया, ये जो वैल्यू थी इस वैल्यू में जो आपने मीन वैल्यू निकाली है, इसमें एक एक टर्म को 1 by 1 माइनस करते जाएंगे। पहले 1.33 में 1.29 को, देन इसे 1 by 1 एक एक टर्म को आप माइनस करते जाएंगे और आपके पास ये वैल्यूज ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। फिर जब आपके पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी तो आप इनका मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। मीन एब्सोल्यूट एरर मैंने आपको बताया था, जब कभी भी मीन लग जाए आगे तो इट मींस आपको मैग्नीट्यूड में निकालना है इसको। तो ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर आता है आपका हमेशा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। इन सारी टर्म्स को आपने इस तरीके से लिखा। अब देखिए यहाँ पे जो चार्ज है इसमें माइनस है, यहाँ पे भी 0.02 माइनस में, ये भी माइनस में, लेकिन जब हम इसे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं तो सारे चार्जेस आपके प्लस में ऑटोमेटिकली आ गए। देन आप इन सबको डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स आपकी 8 हैं तो आपने डिवाइड किया, अप्रॉक्स आंसर यहाँ पे लिख दिया। अब जब बात करते हैं रिलेटिव एरर की, रिलेटिव एरर का मतलब होता है जो आपका मीन एब्सोल्यूट एरर है डिवाइडेड बाय जो आपकी मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला है, जो मीन वैल्यू आपने सबसे ऊपर निकाली थी, ये जो आपकी वैल्यू थी यहाँ पे, अब इसको आपने यहाँ पे पुट कर दिया।
ये आपका रिलेटिव एरर आ गया। देन परसेंटेज की बात करें तो इसी पूरी टर्म को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए परसेंटेज एरर भी आपने सेम यही टर्म ली और मल्टीप्लाई बाय 100 आपका वैल्यू यहाँ पे आ गया। जब परसेंटेज एरर है तो आपका वो प्लस भी हो सकती है वैल्यू और माइनस भी हो सकती है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर आपको इस एग्जांपल में अभी भी डाउट है या इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। देन नेक्स्ट है, अब ये जो था हमने एरर्स को सेपरेट सेपरेट पढ़ा कि मेन वैल्यू है आपको दे रखी है, फिर आपने एब्सोल्यूट एरर या परसेंटेज एरर, बट अब जो हम एरर्स पढ़ने वाले हैं वो उनकी कंबाइंड फॉर्म पढ़ेंगे। कंबाइंड की मीन्स अगर आपके एरर्स हैं उनको कंबाइंड कर दिया जाए, कॉम्बिनेशन में हो, तो आप किस टाइप से पढ़ेंगे। जब कभी भी हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके टोटल 4 हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। जब आप एरर्स पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे ये चारों टर्म सेपरेट सेपरेट हैं, बट आप एडिशन सब्ट्रैक्शन को साथ ले सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को साथ ले सकते हैं। जब आप इनको इनका कॉम्बिनेशन करते हैं, इन टर्म्स को कंबाइन करते हैं, तो उस टाइम पे हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए आपके पास ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको आपने रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए, देन बी प्लस माइनस डेल्टा बी, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब ये सेपरेट सेपरेट है, ये आपकी इमेजिनेशन है। अब इसमें जब आपने फर्स्ट ए वन ए एंड सेकेंड वन इज बी, अगर हम एडिशन की बात करें तो यहाँ पे प्लस का सिंबल है, और एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो सिर्फ आपके पास चेंज क्या आएगा, सिर्फ उसके आगे डेल्टा लग जाता है। देन सब्ट्रैक्शन में भी सेम आपका ए माइनस बी हो जाएगा और ये आपका एब्सोल्यूट एरर। जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो जो टर्म्स हैं आपकी वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये तीन मैथमेटिकल ऑपरेशन थे। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑपरेशन की बात करें तो वो आपका डिवीजन होता है। डिवीजन में ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, देन इसका एब्सोल्यूट एरर। तो अगर आपके पास ये सेपरेट सेपरेट आते हैं कि मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, तो आप इसे इस तरीके से करेंगे, बट अगर आपका ये कंबाइंड फॉर्म में आता है तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके जब हम कंबाइंड फॉर्म में पढ़ते हैं तो आप इससे ईजिली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जब आपके पास एरर्स एक से ज़्यादा हो जाते हैं या बहुत ही ज़्यादा एरर्स हो जाते हैं तो आपके लिए फॉर्मूले से इजी कैलकुलेशन हो जाती है। तो ये तो थी कॉम्बिनेशन की बात, बट अगर कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि एरर हमारे साइंटिफिक नोटेशन में होते हैं, मींस कि पावर की टर्म्स में होते हैं, तो अगर पावर की टर्म्स में आपका एरर है तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे, जेड इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई, सी की पावर जेड, और ये इसका एब्सोल्यूट एरर है, इसको एक्सपेंड करके लिखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड चैप्टर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर की बाकी सारी वीडियोस आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगी, इसका डिस्क्रिप्शन, इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है सारी वीडियोस का, और जितना भी हमने इसमें पढ़ा है उन सब के नोट्स भी दे रखे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट करके पूछेगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।